Welcome back to BBVN online classes. In last video we read about various components of Python program. Today we will discuss briefly. The first is expression. That what is expression? An expression is any legal combination of symbols that represent a value. एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी लीगल कॉम्बिनेशन होता है सिंबल्स का. यहाँ पे सिंबल्स हो सकता है, यहाँ पे वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑपरेटर हो सकता है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है. इन सब का लीगल कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है आपका एक्सप्रेशन. जस्ट लाइक अपन ने प्रोग्राम के अंदर किया था कि मैंने यहाँ पे लिखा बी इक्वल टू ए माइनस बी, आपने देखा देन ये अपने आप में क्या एक्सप्रेशन है. मैंने लिखा a इजिकल टू 15, देन ये क्या है एक्सप्रेशन है. तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, वेरिएबल्स आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, ऑपरेटर आ रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है, माइनस है, देन ये क्या है ऑपरेटर है, कोई फंक्शन भी हो सकता है जैसा प्रिंट स्टेटमेंट है. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एक वैलिड कॉम्बिनेशन हो किसका हो, सिम्बल्स का हो. सिम्बल्स के अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं कोई भी, इसके अलावा कॉन्स्टेंट वैल्यू हो सकती है, ऑपरेटर्स हो सकते हैं. तो इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होगा अपना एक्सप्रेशन, और जो किसी वैल्यू को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट. देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपन जो भी लाइंस लिखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उनसे अपन क्या कहते हैं स्टेटमेंट. ए स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, तो कुछ ना कुछ करता है, सम एक्शन टेक प्लेस, जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है. जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने कोई भी कैलकुलेशन की है, या अपन कह सकते हैं कि सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट टाइम टू से गुड बाय, देन ये अपने आप में क्या है स्टेटमेंट है. अगर मैंने a इज इक्वल टू 15 लिखा है तो ये एक्सप्रेशन भी है और ये स्टेटमेंट भी है. मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, देन ये एक्सप्रेशन ये भी है और ये स्टेटमेंट भी है. इसके अलावा मैंने इफ लिखा है, इफ भी एक क्या है स्टेटमेंट है. तो कहने का मतलब अपना ये हो गया कि स्टेटमेंट क्या होता है, जो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन है और जो क्या करे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे. नेक्स्ट कमेंट. सब जानते हैं कमेंट किसके लिए आता है, ओनली रीडेबल फॉर्म के अंदर होता है ये, और अपन कह सकते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम में आता है. कमेंट्स आर एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन, एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड और डॉक्यूमेंटेशन. जो किसको क्लैरिफाई करता है सोर्स कोड को, इस प्रोग्राम में आपने क्या कर रखा है. या अपन कह सकते हैं कि कोई भी अपन इफ़ का यूज़ कर रखा है तो अपन बता सकते हैं दिस इज इफ स्टेटमेंट. अपन ने कोई भी एडिशन कर रखा है तो आप यहाँ पे बता सकते हो दिस इज एडिशन. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्स्ट्रा जो रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कमेंट दिस प्रोग्राम शो ए प्रोग्राम कंपोनेंट्स, इसके बाद मैंने लिखा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज. इट मीन्स कि कहने का मतलब ये हो गया कि ये बता रहा है कि आपके सी यू फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन आपको नीचे दे रखी है. तो यहाँ पर ये क्या है एक्स्ट्रा रीडेबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है. तो ये क्या होता है अपने कमेंट्स, और कमेंट्स किससे स्टार्ट होता है हमेशा हैश सिंबल से. नेक्स्ट फंक्शन. ए फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम, इट कैन बी रीयूज बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम वेयर नीडेड. फंक्शन क्या है? देखिए फंक्शन एक ब्लॉक है जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है, और उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसे बार बार क्या कर सकते हैं रीयूज कर सकते हैं. तो देखिए कैसे रीयूज कर सकते हैं, जैसे लास्ट प्रोग्राम के अंदर अपन ने एक फंक्शन बनाया सी यू. अब सी यू क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है, इसको मैं बार बार रीयूज करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि इसको कॉल करना होगा. नीचे दे रखा है सी यू, इसको मैंने क्या किया कॉल किया, कॉलिंग अबोव डिफाइंड फंक्शन. अब इसको मैं जितनी बार कॉल करूंगा उतनी बार ये फंक्शन क्या होगा एग्जीक्यूट होगा रन होगा. तो उतनी बार क्या होगा इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो भी आपने दे रखा है, जैसे लाइक इसमें दे रखा है प्रिंट स्टेटमेंट, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट उतनी बार क्या होगा एग्जीक्यूट होगा रन होगा. तो मेरे को सपोज दैट कि इसको 10 टाइम्स प्रिंट करना है टाइम टू से गुड बाय, तो मैं क्या करूँगा 10 टाइम्स इसको कॉल करूँगा. तो कहने का मतलब ये हो गया कि फंक्शन क्या एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, जो बार बार क्या होता है रन होता है एग्जीक्यूट होता है, कब जब इसे कॉल किया जाता है. वैसे यहाँ पे दे रखा है फंक्शन इज अ कोड, ये कोड है दैट इज नेम, इसका एक पर्टिकुलर नेम है, एंड इट कैन बी रीयूज बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम. इसके नेम को प्रोग्राम के अंदर अपन स्पेसिफाई करेंगे तो इसका रीयूज कर पाएंगे, इट मीन्स इसको अपन कॉल कर पाएंगे वेयर नीडेड, जहाँ भी इसको जरूरत है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया इसके नेम को लिखा है, देन ये क्या है अपना कॉलिंग. जितनी बार कॉलिंग करोगे उतनी बार आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा.
फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट ब्लॉक एंड इंडेंटेशन, ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर ए पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और फंक्शन आर कॉल्ड ब्लॉक। कि कोई भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट जो किसी अनदर स्टेटमेंट का पार्ट है वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा। जैसे अपन कोड ब्लॉक भी कह सकते हैं या शूट इन पाइथन। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ, इफ के नीचे मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन दिया है, ये क्या होगा, यहाँ पर ब्लॉक होगा। इसके अंदर क्या है, एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट। तो देखिए इफ भी अपने आप में स्टेटमेंट है, प्रिंट भी स्टेटमेंट है, पर अपन ये देख पा रहे हैं कि प्रिंट किसके अंदर आ रहा है, इफ के अंदर आ रहा है। ये किसका पार्ट है, इफ का पार्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब कोई स्टेटमेंट अनोदर किसी स्टेटमेंट का पार्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ब्लॉक होता है। और दूसरा कि कोई भी अनोदर स्टेटमेंट का पार्ट होगा तो इसके अंदर इंडेंटेशन होगा। तो देखिए इफ है, इफ के नीचे इतना इंडेंटेशन है, इफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रिंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हाफ इंच का क्या होता है, एक इंडेंटेशन होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। ऐसे एल्स में दे रखा है, एल्स यहाँ से स्टार्ट हो रखा है, एल्स का जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रखा है। इट मीन्स इतना जो एरिया अपन ने दे रखा है वो क्या है, वो इंडेंटेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट का पार्ट हो और देन उसमें क्या होगा, इंडेंटेशन होगा, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल, नेम्ड लेबल हुज वैल्यूज कैन बी यूज एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन आर कॉल्ड वेरिएबल। इट मीन्स कि एक नेम होता है, नेम लेबल होता है। इट मीन्स कि जैसे अपन कोई भी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर इनपुट करते हैं वो कहाँ पे जाती है, अपनी वेरिएबल के अंदर जाती है। अब क्या होगा कि वेरिएबल का एक मेमोरी स्पेस होगा जो कंप्यूटर के अंदर बनेगा, उस मेमोरी स्पेस का क्या होगा, एक पर्टिकुलर नेम होगा। अपन ने बनाया कि टेक्स्ट इज इक्वल टू राम, इट मीन्स कि टेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, देखिए ए इज इक्वल टू 15, ए यहाँ पे क्या, एक वेरिएबल है। बी इज इक्वल टू ए माइनस 10, ये भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये क्या है, नेम लेबल है, इसका एक पर्टिकुलर नेम है, इनका एक एड्रेस होता है, ये कोई ना कोई वैल्यू कंटेन करते हैं पाइथन के अंदर। ये वैल्यू को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो वेरिएबल क्या हो गया, नेम लेबल हुज वैल्यूज कैन बी यूज एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। जब प्रोग्राम रन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू है, कोई ना कोई प्रोसेस होता है, इट मीन्स वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो देखिए उसे अपन क्या कह रहे हैं, वेरिएबल। अब एक बात आपको ये जरूर ध्यान में रखनी है कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एज इक्वल टू 15, तो ए की वैल्यू क्या है, 15। अब ए की वैल्यू चेंज हो सकती है भैया, पर 15 की वैल्यू क्या है, 15 की वैल्यू वैसी की वैसी है। यहाँ पे मैंने लिखा बी इज इक्वल टू ए माइनस 10, तो बी की वैल्यू देखो चेंज हो सकती है, यहाँ पे क्या होगी, 15 माइनस 10 5 आ जाएगी। अगर मैं नीचे लिखता हूँ एज इक्वल टू ए प्लस 15, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ए की बी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, इट मीन्स जो आपके वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज होती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पर कोई कांस्टेंट आपने देखा, 15 है, 15 तो 15 ही रहेगा। तो कांस्टेंट तो क्या होते हैं, या अपन कह सकते हैं लिटरल्स क्या होते हैं, वो होते हैं कांस्टेंट वैल्यू, वो चेंज नहीं होते, और वेरिएबल है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर ए इज इक्वल टू 15 है, मैंने यहाँ पर लिखा ए देन इज इक्वल टू ए प्लस, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 15। अब पहले से एक ही वैल्यू 15 है, आपने 15 और ऐड कर दिया तो एक ही वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। तो एक ही वैल्यू चेंज हो सकती है। इट मीन्स कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन है, या अपन कह सकते हैं नेम लेबल है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये अपने कुछ प्रोग्राम के कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में अपन ने बात की। थैंक यू।